दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खत्म होने के बाद बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के बचे मुकाबले की नई डेट अनाउंस कर दिया। जहां आईपीएल 2021 का नया शेड्यूल बीसीसीआई ने अनाउंस कर दिया, तुम वही आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजियां यूएई रवाना हो चुकी हैं वहां का मुआयना करने। तुम वही PSL यानी कि पाकिस्तान सुपर लीग के तीन बड़े प्लेयर्स आईपीएल 2021 के बचे मुकाबले में हमको खेलते हुए दिखाई देने वाले। आखिर वो तीन खिलाड़ी कौन से हैं? तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप पंडित लीग ड्रीम इलेवन या फिर आईपीएल क्रिकेट के रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल 2021 के नए डेट की कि कितने तारीख से आईपीएल 2021 आगाज होगा। तो आईपीएल 2021 की जो नई डेट है तो 19 सितंबर, ये कंफर्म हो चुका है कि आईपीएल 2021 के बचे मुकाबला 19 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। बीसीसीआई की तरफ से यह कंफर्म हो चुका है, और वहां का मुआयना जो आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजी है जिनमें सबसे बड़ा नाम चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस का रहा है, ये दोनों टीमों के मैनेजमेंट यूएई रवाना 6 जुलाई को हो जाएंगे, और वहां का मुआयना करने के बाद बीसीसीआई को शेड्यूल बनाने के लिए कहेंगे। उसके बाद बीसीसीआई नया शेड्यूल अनाउंस कर देगी। हमको आईपीएल 2021 के बचे मुकाबले यूएई में 19 सितंबर को देखने को मिलने वाले। 19 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक आईपीएल 2021 होने वाला है। वहीं अब बात करते हैं जो पीएसएल के तीन बड़े प्लेयर जो आईपीएल 2021 के बचे मुकाबले में खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम है ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बैट्समैन जो उस्मान खौजा आईपीएल 2021 के बचे मुकाबले में खेल सकते हैं। वो पीएसएल में काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन किए, ओपनिंग पारी बहुत ज़बरदस्त की है। वहीं दूसरे जो खिलाड़ी की बात करो तो दूसरे जो सबसे बड़े खिलाड़ी है कोलिन मुनरो ने भी काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन पीएसएल में किया है, और उस्मान खौजा कोलिन मुनरो ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करके पीएसएल में अपनी टीम को फाइनल तक पहुँचाया है। वहीं अगर हम तीसरे खिलाड़ी की बात करो तो तीसरा जो खिलाड़ी अफगानिस्तान का 16 साल का खिलाड़ी नूर अहमद तो वैसे काफी ज्यादा फेमस, ऑलरेडी इन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन पीएसएल में किया है, जिसकी वजह से इस खिलाड़ी को आईपीएल 2021 के सीजन में शामिल कर सकती है कोई भी फ्रेंचाइजी। अब देखना ये होगा कौन सी फ्रेंचाइजी इन खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करती है। वैसे सबसे बड़े नुकसान की बात करो तो सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी टीम को हुआ है आईपीएल 2021 पोस्टपोन होने के बाद तो राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स में इंग्लैंड के काफी बेहतरीन प्लेयर शामिल है, जिनमें जॉस बटलर की तरफ से कंफर्म हो चुका है कि वो आईपीएल यूएई में नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों जॉस बटलर की अगर कोई रिप्लेसमेंट हो सकती है तो मैथ्यू वर्डे, काफी बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। वो अगर हम दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो दूसरे जो खिलाड़ी है बेन स्टॉक की रिप्लेसमेंट की बात करें तो कार्लोस ब्रैथवेट उनकी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। वहीं तीसरे जो सबसे खतरनाक बॉलर माने जाने वाले जॉफ्रा आर्चर भी आईपीएल 2021 के बचे मुकाबले हमको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, तो उनकी जगह शेल्डन कॉटरेल शामिल हो सकते हैं। अब देखना ये होगा राजस्थान रॉयल्स कौन से खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करती है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ियों को रिप्लेसमेंट करना चाहिए राजस्थान रॉयल्स को, वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना।